अस्सलाम वालेकुम, मैं आज लाई हूँ आपके लिए वीडियो एंड फोटोग्राफी। उसकी हिस्ट्री आपको पता चलेगी कैसे। इस जो मैंने प्रेजेंटेशन ये तैयार की है खुसूसन आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। तो पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। ट्यूटोरियल चैनल 450@gmail.com पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं या कुछ भी आपको पूछना हो। तो ये वाली वीडियो जो है ये मैं आपको पर्सनली ये फाइल सेंड भी करूँगी अगर आप लोग चाहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैमरे की सारी डिटेल्स इधर मौजूद हैं। इन 17th सेंचुरी जोसेफ नाइसफोरा वॉज इन्वेंटेड अ कैमरा इन्वॉल्व फ्रॉम द कैमरा अब्सक्यूरा and continued to change through many generation to photographic technology including 13 types of camera. इसमें ये बता रहे हैं कि 17th सेंचुरी में जोसेफ नाइसफोरा ने कैमरा इजाद किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था। और उसमें से सिर्फ 13 कैमरे हैं जो ये स्टार्टिंग में सबसे पहले आए थे। कुछ के पिक्चर्स यहाँ मौजूद हैं, आगे आप देखेंगे तो आगे भी पिक्चर्स हैं मेरे पास। ये पिक्चर्स हैं ये जो अभी भी मतलब चल सकता है, जैसे कैनन है, निकॉन है, निकॉन के कैनन के जो ये कैमरे हैं ये आप लोग अभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी क्यों हमें ज़रूरत हुई, वाई वी नीड टू इन्वेंट, तो ये मैं पढ़ देती हूँ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज प्रेजेंट अ वॉटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ वार फोटोग्राफी। वैन वार ब्रोक आउट इन 1914 मैनी ऑफ द स्किल्स एंड टेक्निक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फोटोग्राफी इट वर ऑलरेडी इन प्लेस। यानी इसमें बता रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ी थी फोटोग्राफी की। क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि कुछ ऐसी रिसोर्सेज थी जो हमने यूज़ की थी, ऐसी टेक्निक्स थी जो आगे चल के हमारे और आगे काम आती, तो उसको किस तरह से सेव किया जाता, तो इसलिए फोटोग्राफी, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी फोटोग्राफी की। नीचे हिस्ट्री लिखी है जोसेफ नाइसफोरा की, तो वो आप देख लें कि उनके सन लिखा हुआ है। उसके बाद वर थ्री ड्रीम्स क्रॉस 150 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफी फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जब वॉर्स हुई पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, जो भी इंडिपेंडेंस के तहत इंडिपेंडेंस के लिए हुई उसकी जो भी क्या नाम है जद्दोजहद थी, वो कैसे देखते तो हम फोटोग्राफी और वीडियो की मदद से देख सके। फोटोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, वी नीड टू शो आवर जनरेशन हाउ वी स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस, सही है। उसके बाद आ जाते हैं आगे हमारे पास मौजूद है हाउ डज फोटोग्राफी हेल्प अस, हमें किस तरह से फोटोग्राफी ने हेल्प की। पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाइफ राणा लियाकत मेट द फेमस अमेरिकन फिल्म मेकर एंड एनिमेटर वॉल्ट डिज्नी एंड वॉशिंगटन डीसी में वो रहते थे। वॉल्ट डिज्नी का नाम है जिसमें आप ये देख सकते हैं तस्वीर लगी हुई है, उनसे मिली थी। वो एक बहुत सबसे पहले फिल्म मेकर भी थे और उन्होंने एनिमेट भी की थी। उसके बाद विद अबाउट 10 मिलियन पीपल माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान इन वॉट वॉज द कॉल ऑफ द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, सही है। 10 मिलियन यानी 10 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान तक माइग्रेशन की, ठीक है। वो भी इसमें सब शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ट्रेन के शायद। एज वी नो द मच बहुत सारी स्ट्रगल हमने की, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं उसको उर्दू में बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ये आपको बता दूँ कि बहुत सारी स्ट्रगल की थी, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी वीडियो फोटोग्राफिंग की। देन आ जाते हैं मेडिकल फोटोग्राफी स्पेशलाइज एरिया ऑफ फोटोग्राफी एंड कंसर्न इट सेल्फ विद द डॉक्यूमेंटेशन इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड पेशेंट मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एंड इसमें ये बताना चाह रहे हैं ये लोग कि जैसे आप एक्सरे करा रहे हैं आपका सिटी स्कैन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल की इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती हैं जिसमें कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इलाज होते हैं, ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके तहत हमें फोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ी। इन बाय 1870 मॉरी एंड हैव हैड एस्टेब्लिश अ जनरल बेस यूजिंग फोटोग्राफी, ठीक है। यूएसए ने भी ये निकाला था क्योंकि यूएसए ने एक्सरे निकाला था, क्योंकि एक्सरे ये था कि पहले अगर आपके बोन ब्रेक हुई है तो आपने वो एक्सरे करा, देन उसके बाद सही हो गई तो उसका आफ्टर एक्सरे। तो ये लिखा हुआ यूएसए प्रोवाइड केस स्टडीज़ बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे फोटोग्राफ्स ली जाती हैं बिफोर एंड आफ्टर की। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं वॉट इज़ वीडियोज़ के बारे में। वीडियोज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर द रिकॉर्डिंग एंड कॉपिंग प्लेबैक ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्प्ले ऑफ मूविंग विजुअल मीडिया। वीडियो वॉज फर्स्ट डेवलप मैकेनिकल टेलीविजन सिस्टम विच वर
क्विकली रिप्लेस बाय खैतर ट्रे ट्यूब. सबसे पहले कौन सी आई थी? मैकेनिकल टेलीविजन सिस्टम्स आए थे जिसको रिप्लेस करा था कैथोड रे रे ट्यूब्स ने. उसके बाद आई फैनल फ्लैट पैनल डिस्प्ले. और ये दो फॉर्मेट की होती है, एनालॉग और डिजिटल. एनालॉग अब ख़त्म हो गई है, डिजिटल चलती हैं. जब उस टाइम की बात बता रहे हैं, एट दैट टाइम यानी 1956 में एक वीडियो रिकॉर्डर सेल होता था 50 100 यानी 5000 का, 5000 डॉलर के जो था वो एक वीडियो रिकॉर्डर. और वीडियो टेप होता था 300 डॉलर का. आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं वीडियो बुक. इसमें हमें आर्ट पावरफुल उन्होंने यहाँ पर मैंने शो करे हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी. मार्केटिंग के हवाले से ये शो किए, वीडियो बूस्ट कन्वर्सेशन कन्वर्जन एंड सेल्स, वीडियो शो ग्रेट आरओआई, वीडियो बिल्ड ट्रस्ट, गूगल लव्स वीडियो, और वीडियो अपील्स टू मोबाइल यूजर्स. इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि हमें मार्केटिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी. इसकी सेल्स प्राइस, सेल्स रेट, इसके तहत हमें पता चल जाते हैं और इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो ये इसको आपको समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. आगे चलते हैं वीडियो प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. दिस इज द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग अ वीडियो, कैप्चरिंग मूविंग इमेजेस, वीडियोग्राफी. इसकी देखिए ये मतलब वीडियो प्रोडक्शन होती है बहुत सारी तरह की. इसमें चार तरह की दिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टेलीविजन और इवेंट और वीडियो प्रोडक्शन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. कॉर्पोरेट वीडियो, कॉर्पोरेट वीडियो वो होती है जो कम्युनिकेट करती है, एजुकेशन के तहत भी होता है, ट्रेनिंग सेंटर्स में जो हम वीडियोस बनाते हैं. सही है, बहुत सारी हेल्प मिल जाती है. कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ हमने वीडियोस बनाई तो उस चीज़ को हम कॉर्पोरेट वीडियो कह सकते हैं. द स्टेडियम ऑपरेटर वीडियो टेप्स ट्रेलर इन राइडर इन एंथन ग्रीस की, ग्रीस की आपको पिक्चर शो हो रही है, 1994 की पिक्चर है. उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से बेटर कैम एस पी वीडियो प्रोडक्शन इन द बेटर ब्रॉडकास्ट टेलीविजन. टेलीविजन देखिए जो मूवीज जितनी भी बनती है 1980s और 21st सेंचुरी से आज तक जो भी मूवीज बनी, एडवर्टाइज बने, जो भी चीज़ें बनी हैं वो उसको टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कहा जाता है. टेली इंक्लूड यहाँ पर आप देख लें, नीचे यहाँ पर पिक्चर भी है, इसको भी पढ़ लिएगा. इसको भी मैं पढ़ रही हूँ, इसको पढ़ रही हूँ. टेलीविजन कमर्शियल इंफॉर्मेशन. चलें फिर हम आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है इवन वीडियो. इवन वीडियो को मैंने आपको पहले भी बताया है और आप लोगों को भी काफ़ी पता है कि इवन वीडियो क्या होती है. इवन वीडियो होती है जैसे वेडिंग, बर्थडे वीडियोस, ये सब इसमें आता है. इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखी है, स्पोर्टिंग स्कूल स्टेज वेडिंग जो कुछ आप फंक्शन करते हैं उसके आप वीडियो बनाते हैं तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है. आगे चलते हैं, आगे हमारे पास वीडियो प्रोडक्शन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन का क्या है कि ये एक मिनट, तो अभी हमें ये बता रही थी कि वीडियो प्रोडक्शन डिस्टेंस एजुकेशन कैसे ख़त्म कर सकता है. इस तरह से ख़त्म कर सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करके वीडियो बनानी होती है, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है. जिससे ठीक है, जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं उसी तरह से बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं. ठीक है, और इस पे सॉफ्टवेयर्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है. सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो, उनमें भी वीडियोस बनती हैं. तो ये वेबकास्टिंग इज़ आल्सो बीइंग यूज इन एजुकेशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोजेक्ट्स. ओके, इसके बाद आता है वीडियो प्रोडक्शन डिस्टेंस एजुकेशन. आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इंटरनेट वीडियो प्रोडक्शन है. इंटरनेट वीडियो प्रोडक्शन यूट्यूब से पहली मिसाल आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है. जो लोग प्रांग्स वगैरह और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं या वीडियोस बनाते हैं या लाइव जाते हैं तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए. इंटरनेट वीडियो प्रोडक्शन बहुत सबसे ज़्यादा दुनिया में चलने वाली प्रोडक्शन है. और इसमें भी आपको दिख रहा है मेरी वेबसाइट इंक्लूड्स, वेबसाइट्स पे भी वीडियोस होती हैं. तो ये सब उसके लिए होता है और इनके पास लाइसेंस होता है बकायदा. क्रिएटिव वीडियो कंटेंट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इन एन एवर ग्रोइंग रेंज ऑफ कंसेप्टेंट्स ऑफ वेबसाइट. देर आर टेस्टिमोनल वीडियोज, वेब प्रेजेंट वीडियोज. ठीक है, तो अब इतना बहुत है आज के लिए. थैंक यू सो मच. एंड पेज लाइक माई पेज एंड वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.